नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हनी चिल्ली पटेटो। इन्हें आप कभी भी बनाकर स्नैक के रूप में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। हमने ये चार आलू छील कर ले लिए हैं, कच्चे आलू हैं। जिस तरीके से हम फ्रेंच फ्राई के लिए आलू काटते हैं, उसी तरीके से हम इन्हें काटेंगे। ये लिया है 4 टेबल स्पून अरारोट। इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो ये हम आलू के ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये थोड़ा सूखा सा लग रहा है, हम इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देंगे और इसे पूरा अच्छे तरीके से आलूओं के ऊपर कोट कर लेंगे। आलू तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल चेक कर लेते हैं। तो एक आलू का टुकड़ा हम डाल देते हैं। आलू तल रहा है तो तेल तो हमारा गरम है और हमें ये आलू तलने के लिए मीडियम हाई गरम तेल चाहिए। फ्लेम तेज़ रखेंगे और आलू को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक तलेंगे। आलू क्रिस्प हो गए हैं, हल्के ब्राउन भी हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बचे हुए आलू भी तल लेते हैं। आलू हमने तलकर तैयार कर लिए, ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। हम इनमें थोड़ा सा चाट मसाला डालकर फ्रेंच फ्राई के रूप में सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं हनी चिल्ली पटेटो, तो हमें अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलानी हैं। पैन गरम कर लेते हैं और 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। इन्हें थोड़ा सा भूनते हैं। अभी है 1/2 कप पतली छोटी कटी हुई शिमला मिर्च। इसे हम हल्का क्रंची भून लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, हल्का सा भूनते हैं। 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। फ्लेम धीमी कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। ये कुटी हुई लाल मिर्च है। अगर नहीं है तो आप 2 साबुत लाल मिर्च को मोटा मोटा कूट कर ले सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और ये 1 छोटी चम्मच विनेगर। फ्लेम बंद कर देंगे और अब ये 2 टेबल स्पून हनी। और ये पटेटो अच्छे तरीके से मिलाएंगे जब तक ये सॉस पूरी तरीके से आलू के ऊपर कोट नहीं हो जाता। पटेटो के ऊपर सॉस मसाले अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं तो हमारे ये हनी चिल्ली पटेटो तैयार हो गए। हनी चिल्ली पटेटो सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर गार्निश कर देते हैं। और इन्हें बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप आलू तलेंगे तो फ्लेम का ध्यान रख लीजिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा मंदी ना हो। मीडियम और मीडियम हाई फ्लेम पर आपको इन्हें तलना है। बहुत अच्छे हनी चिल्ली पटेटो बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।